ये गिफ्ट आपको है, ये लो ये भी पापा की कलेश हो गया। एक फीमेल पे आप ये आभूषणों का प्रैंक कर रहे हो? मेरा प्लान नहीं था। ये तो मेरी इंसल्ट है कि भैया डिजर्व नहीं करती हो तुम। आपके लिए गिफ्ट। मम्मा रो क्यों रहे हो यार, क्यों रो रहे हो? मैं इस आदमी को छोड़ के जा रही हूँ, मैं डिवोर्स दे रही हूँ अभी। हेलो जी, हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा कि मैंने पापा को दो गोल्ड की रिंग्स गिफ्ट करी थी, और इस गिफ्ट के पीछे की कहानी यह है कि पापा और मैं ज्वेलरी शॉप में गए थे जहाँ पे पापा को अपनी कान की बाली बनवानी थी एंड मुझे अपने हाथ का कड़ा बनवाना था। बट पापा ने बैठे बैठे बहुत सारी अंगूठियां देखी ऐसी मजे मजे में, जिसमें से पापा को एक अंगूठी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। पापा के हाव भाव देख के मैं समझ तो रहा था कि भैया पापा को ये अंगूठी पसंद आ गई है, क्योंकि पापा बार बार पहन रहे थे, बार बार उतार रहे थे, बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि कैसी लग रही है। तो मैंने कहा पापा ले लो इसको, बहुत अच्छी अंगूठी लग रही है, शानदार आ गया, देख के ले लो। लेकिन पापा लेने को राजी नहीं है, बस देखे जा रहे अंगूठी को, देखे जा रहे लेकिन ले नहीं रहे, बिकॉज बहुत महंगी थी अंगूठी। फिर से कह रहे थे कि बेटा हटा छोड़ इसको, क्या करेंगे लेके, बड़ी महंगी अंगूठी है, इसके बदले को तो ले लेंगे। लेकिन मैंने कहा पापा अब आप इसको लेके रहोगे, बल्कि एक नहीं दो दो अंगूठी लेकर रहोगे, मैं दूंगा आपको, मैं गिफ्ट करूंगा। आप अपने शौकों को मत मारो, आपके शौक पूरा करने का काम मेरा है, ठीक है ना? वो बेटा क्या यार जो अपने पिताजी के इमोशंस को, अपने पिताजी की भावनाओं को ना समझ पाए। तो अंगूठी तो ले ली, दो दो अंगूठी ले ली, बट अब दिक्कत इस बात की है कि जब उसको घर में लाए हम, जब अंगूठियों को घर में लाए और पापा ने जब वो अंगूठी दिखाई मम्मी को, तो तब क्या रिएक्शन आए भाई साहब, वो देखो भी आप। ओम, एक कर लिया ना, ठीक है चलो। मम्मा का गिफ्ट आ जाओ, छुपाओ ना छुपाओ, अरे यार छुपाओ यार। ओम भाई आ जा, गिफ्ट देख ले, गिफ्ट। एक गिफ्ट है आज, मैं बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत और बड़ी पता नहीं क्या गिफ्ट आया होगा आपके लिए, बड़े प्यार से और बड़े गुस्से, लेकिन बगैर हल्ला गुल्ला किए आप इसको हल्ला गुल्ला मतलब क्या करे, स्वीकार करो, आग बंद करो, चश्मा उतारो, आग बंद, क्योंकि आज तुम्हारी आग भी देखना चाहते हैं लोग, कैसी आग है तुम्हारी? ज्वेलरी गिफ्ट आपको, ज्वेलरी आई मम्मी के लिए, बड़ा अंगूठा, ये तो पापा के लिए, लेकिन ये तो मेरा साइज नहीं है वाले। ये पापा आपने लाया है, मम्मी को दे रहे, दोनों अंगुली पे डालना है। ये तो मेरा वाला है, अच्छा आपका वाला है, ये मेरा वाला है। अच्छा तुम मम्मी का एक्टिंग पापा की एक्टिंग। आज बंद कर दूंगा, गलती हो गई, पापा की है ना, ये मेरी है, ठीक है चलो, प्योर गोल्ड खा जाएगा वो, सोने का कुत्ता बन जाएगा, सोने का कुत्ता बन जाएगा, सोने का कुत्ता। अब आज बंद करो, ये तो शादी का होगा। जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल स्टार्ट हो चुके, तो आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके बहुत सारे प्राइजेस जीतो lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि हु विल विन द मैच और हु विल विन द टॉस, जैसे 50 प्लस तरह में क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन बता के आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। एंड सबसे अमेजिंग चीज है कि lotus365 पे रजिस्टर करने के बाद आपको मिलेगा इंस्टेंटली ₹365 का बोनस, एज वेल एज 1 to 124 hours का कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन प्लस यूजर्स, और ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट ही, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन है जहाँ पे आप अपने ओपिनियन देके बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे 200 प्लस क्वेश्चन है, मतलब बहुत खतरनाक प्राइजेस। वेयर इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, नेहा शर्मा, सुनील शेट्टी एंड काजल अग्रवाल जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज lotus365 के ब्रांड एम्बेसडर्स है। तो गाइज देरी मत कीजिए, जाके अभी के अभी रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे एंड जीतिए अमेजिंग प्राइजेस। लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये आपका दूसरा गिफ्ट, ये गिफ्ट आप, ये लो, इसके अंदर बिल होगा जरूर। ये भी पापा की, इतना बड़ा, उससे भी ज्यादा बड़ा है ये तो। अरे पहन के देखो, लग रहा बड़ा हो, लग रहा बड़ा नहीं, ये है ही बड़ा, इतना बड़ा है। अपने लिए बनवाई है आपने, भी अपने लिए दो दो ले आए होंगे, ये अपने लिए दो दो, हाथ में पकड़ के आपने ऐसे कर लिया ना, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है ये, क्योंकि ये हमारे हाथों में ही ये इसका लुक आएगा, क्यों क्या हुआ, अब खाना नहीं बनेगा।
क्यों? दो दो अंगूठियां अपने लिए और ये ठीक है, दो दो अंगूठियां अपने लिए। तुम्हारा सरप्राइज जो है ना वो ऐसा सरप्राइज आने वाला है ना, आपका दिल खुल जाएगा। और ये मेरे को दिया है मेरे देव बेटे ने, देव हमारे बच्चे ने, इन्हें मेरा पापा, ये मेरी तरफ से मेरे को भी कुछ दे दिया करो। और ये हो गई मेरी, अब ये हो गया मेरा हाथ का स्टाइल। पापा के लिए गाइस मैंने दो अंगूठियां लिए सोने की, एक अंगूठी ये है नहीं और एक अंगूठी ये है। मम्मी का चेहरा देखो, मम्मी की शक्ल तो देखो। मम्मा आपके लिए लेंगे, मम्मा आपके लिए लेंगे। इतनी सुंदर, आपके लिए लेंगे, इतनी प्यारी है। देता पापा को, पापा लेते अच्छी बात है, मुझे खुशी होती, लेकिन मेरे साथ ये क्या बदतमीजी करी। लेकिन पापा ने करा है, मेरा कोई प्लान नहीं था, ये पापा ने करा है प्लान। इसमें गाना बनता है, वो थैला काट रहा है, इसमें गाना बनता है। नॉर्मली मुझे बता देगा, मुझे खुशी। मम्मा ये पापा का प्लान था, ये मैंने नहीं करा है, पापा ने करा है। ये गिफ्ट, ये जो गिफ्ट है ना तुमको, ये तो इसने मुझे दिया है, तुमको गिफ्ट मैं दूंगा अपनी तरफ से, और वो गिफ्ट होगा, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन मम्मा के बदले में सुनो अभी गिफ्ट के बदले में गाना सुनो। मम्मा सुनो, ये मेरा प्लान नहीं था, मेरा प्लान नहीं था, मेरा इंसल्ट है कि गीगा चैट, तुम्हारा भैया डिजर्व नहीं करती हो तुम। मैं दो दो अंगूठियां डिजर्व करता हूं और तुम एक अंगूठी भी डिजर्व। ये प्लान पापा का था मम्मा, नहीं ये तो मेरी बेइज्जती है सरासर, सरासर मेरी बेइज्जती है। नहीं मैं तो अब आपसे एक एक वो भी नहीं लूंगी, इतना सा भी नहीं चाहिए मुझे, आगे समझ में। अब मैं बनाऊंगी अपने चार अंगूठियां, आगे समझ में। कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, ओ वाइफ मेरी वाइफ तो कितनी प्यारी। मम्मा उदास मत हो यार, कितनी भोली है। एक नहीं अपने लिए दो दो है, और मेरे से बोल रहे तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ओ मेरी वाइफ, मम्मा आपके लिए बनाऊंगा चार अंगूठियां मैं। मम्मा सुनो, मैं तो सोच रही थी इनके लिए अच्छी सी दो शर्ट्स लूंगी बढ़िया सी, अब तो एक चड्डी भी नहीं लूंगी ना। ले कार्ड हो गया कार्ड। मम्मा मेरी बात, आपके लिए गिफ्ट। मम्मा रो क्यों रहे हो यार, क्यों रो रहे हो आप, क्यों रो रहे हो यार? वो बेटा वो ये करिए, उसका कहने वाला ये है कि तूने अपने पापा को दो दो गिफ्ट दिए। नहीं मुझे खुशी है, उसने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे। लेकिन आपने मुझे मेरी इंसल्ट क्यों करी कि तेरे लिए गिफ्ट लाया। ये प्लान पापा का था, पता है मैंने बोला था पापा सिंपल तरीके से बता दो, सिंपल तरीके से मुझे बता दे, मुझे बहुत खुशी होती। मैंने पापा से यही कहा, लेकिन इन्होंने तो मेरी इंसल्ट करी है ना। ये सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने नहीं करा, ये पापा का प्लान था, पापा ने बोला की प्रैंक करेंगे, मैंने बोला पापा सिंपल तरीके से बोल दो मम्मी से। मुझे तो दो अंगूठियां मिली है और तेरे को मिला बाबा जी का ठुल्लू। कलेश हो गया भाई, ये तो कलेश हो गया, ये क्या कर दिया हमने? आपने करा है, ये आपने करा है, आप मम्मी को चिढ़ा रहे हो। चिढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, मैंने कहा हल्का सा एक वो करते हैं मम्मी पे, हाँ। क्या करते हैं, एक मम्मी का रिएक्शन देखते हैं करके। एक फीमेल पे आप ये आभूषणों का प्रैंक कर रहे हो, ज्वेलरी का प्रैंक, एक फीमेल पे, एक लेडी पे, एक औरत पे है ज्वेलरी का। एक औरत की कमजोरी क्या होती है, ज्वेलरी है, और आप प्रैंक कर रहे हो उस ज्वेलरी का, और अपने लिए अपना मतलब ये वो कर रहे हो आप है? तो आपके पास तो बहुत सारी है ना पहले से। पापा का हाथ देखो भैया, क्या हाथ हो चुका है पापा के हाथ में, एक लाख का सामान। मेरा हाथ देखना, मेरा हाथ देखना, इनके तो छल्ले हैं, मेरे तो इतने मोटे मोटे होंगे देखना। और तेरा चाहिए ना इनका। मम्मा मत करो ऐसा, मम्मा मेरी मम्मी छोटी सी मम्मी है। मम्मा सुनो, मम्मा सुनो, मम्मा आपके लिए ऑर्डर कर दिया है, मेरे को कुछ ऑर्डर मत कर प्लीज, सुनो ना। आपके लिए ऑर्डर कर दिया, कल एक भैंस आ रही है, भैंस का दूध निकालो घर से, भैंस का दूध निकालो, भैंस ये बाहर का दूध पी पी के हम परेशान हो गए, कल से ही भैंस यहाँ पर बाहर से एक वो बना रहा हूँ गोट, जहाँ भैंस भैंस को रखा जाएगा, एक भैंस उसका सुबह आपने दूध निकालना है, उसका गोबर ओबर जो भी है साफ सुफ करना, और शाम को दूध निकालना, हमको ताजी दूध पिलाना आपने, ये काम लस्सी भी है और छाछ भी, और छाछ भी लस्सी भी, और ये जो भैंस है वो गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। और बता दो कितनी, 50,000 की भैंस आ रही है पापा की, इससे महंगी। मैं इस आदमी को छोड़ के जा रही हूँ, मैं डिवोर्स दे रही हूँ उसे अभी। गाइस बात बहुत सीरियस हुई है, इस बात को हो गए ऑलमोस्ट आधा घंटा, और आधे घंटे से भाई मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में है कि मम्मी के लिए बबूला हो गई, मम्मी बहुत चिढ़ गई कि मम्मी के लिए हम कुछ नहीं लाए, तो मम्मा आपके लिए ऑर्डर कर रखा है, मतलब ऑर्डर कर देंगे, और आपके लिए 10 साल बाद नहीं आएगा, मैं लाऊंगा आपके लिए, पापा को दिया मैंने इतना है, पापा के तिगने प्रेस का लाऊंगा आपके लिए मैं। पापा तो स्टाइल मार रहा हाथ में, देखो वो घुस ही नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ कौन सी, मैं कौन सा क्या पहनूं, बाप रे, जिससे मैं हाथ में लुक आए यार थोड़ा सा। ओ भाई साहब, कम ही हो पापा के पास, वो हो गया, ज्यादा हो गया। अभी दो और आ रही, कल है, कल दो और है बेटा, दो और आ रही है, चार उंगली, पांच उंगली, चार उंगली, चांदी की है, चांदी की दो, सही तो है। फिर वो जो अंगूठा उसके लिए भी ले लो, पांच उंगली, हाँ भाई उस
सुनार लगे पूरे सुनार पूरे कान भर लो यहाँ से लेके यहाँ तक गोल्ड कान भी आ रहा है कान में भी आ रहा है कल वाले भी आ रही है भाई फिर बैठू बैठूंगा गुरखा में और चलते चलते फिरते बैंक अकाउंट कुर्ता पजामा कुर्ता पजामा और गले में झाड़न पॉलिटिशियन अपने अपने टकलू को एक ले आओ दो इन हाथों को ना बाद में देखना आगे समझ में इस महीने के ना राशन पानी के पैसे दे दो मुझे अभी तक नहीं दे रखे आपने वरना रात को सोए में ना अंगूठिया निकाल लूंगी वाह पहनोगे कैसे उनको ऐसे करके ऐसे करके पहनोगे एक उंगली में तो आने वाली नहीं ऐसे करके पहनोगे धर्म पत्नी धर्म पत्नी तू कितनी प्यारी है कितनी भोली है ओ धर्म पत्नी तेरे लिए भी लाऊंगा दूध निकालेगी कितनी प्यारी है भाई अंगूठी लेके गलती कर दी बहुत बड़ी लाइफ में ये देखो क्या क्या सुनने को मिल रहा है यार मम्मा मत बोलो ऐसा यार क्यों नहीं बोलो तूने पापा के लिए खरीदा बहुत अच्छी बात है तेरे को मम्मा की याद नहीं आई याद आई एटलीस्ट चांदी का ही कुछ ले आता अरे लाऊंगा ना प्लैटिनम आपके लिए प्लैटिनम लाऊंगा गोल्ड लाऊंगा आपके लिए डायमंड लाऊंगा आपके लिए तू भूल गया तेरे को 9 महीने मैंने रखा अपने पेट में है ना दर्द मैंने झेला है डिलीवरी के समय इन्होंने क्या झेला है इनको दे दी तूने जब जब तुमको दर्द होता तो मुझे भी दर्द होता था अरे रहने दो आप दर्द होता था तो भैया जी अभी तो फिलहाल अपना खाना लग चुका है खाने में है दाल चावल और अपना सलाद यहाँ पे अपना ओम भाई द टकला व्लॉगर भी खा रहा है फाइनली गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे पूरी बात सॉर्ट हो गई थी घर में अब सब शांत हो चुका है मामला और जो कंट्रोवर्सी हुई भाई सब ऑफ ऑन कैमरा तो हुई ऑफ कैमरा जो तोड़ाई हुई बड़ा बड़ूम भीम बूम ऐसा जो हुआ ना घर में वो सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था तो वो आपने नहीं देखा बाकी जो ऑन कैमरा हुआ जो वार्तालाप हुई वो सब देख लिया आपने तो गाइज ये था कि मम्मी कह रही थी कि ऐसे दिखा देते कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन चढ़ाया क्यों चढ़ाया प्रैंक क्यों करा एक औरत पर ज्वेलरी का प्रैंक क्यों करा एक औरत पर आभूषणों का प्रैंक क्यों करा ये बात थी तो बात अभी ठीक है सॉर्ट हो चुकी है मामला इज ऑल सेट तो अभी करते हैं ब्लॉग को एंड अगर आपका ब्लॉग देख के मजा आया कुछ चेहरे पे स्माइल आई आपने एंजॉय करा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलते कल सुबह टिल देन गुड बाय लव योर लाइफ एज मच एज यू कैन कल सुबह तैयार ना तब तक के लिए बाय बाय